माता की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए बताए। पीठाधीश्वर बनने के बाद में इस स्थान का महत्व बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति के रक्षक हैं, भारतीय सभ्यता को हम लोग पालन करते हैं, उस परंपरा को निभाने के लिए आए बेटे। गिरनार तो सिद्धों की भूमि है बेटे, सभी तरह के सिद्ध यहाँ रहते हैं, नाथ संप्रदाय के, वैष्णव संप्रदाय के, सन्यासी संप्रदाय के, दत्त का है, गोरखनाथ का है, ओघड़ का है, किनाराम का है, माँ का है, सभी के यहाँ सिद्ध संत रहते हैं। गिरनार तो कैसा पवित्र भूमि है पृथ्वी पर, कोई भी सिद्ध होगा इस पृथ्वी पर वह आएगा जरूर। तो हमेशा से शुरू से है, ये तो सदियों से शिवरात्रि का मेला चला रहा है, सभी अखाड़े आते हैं, संजय का सन्यासी आते हैं शिवरात्रि के दिन। गोवा फ्रीडम का हम पहले लड़े, गोवा फ्रीडम का, और उसके बाद चाइना का, 65 में आपको पाकिस्तान का है, 71 में बांग्लादेश का है, इन सारे जुर्म में हम थे, और 65 में सबसे एक्टिव थे हम, बहुत तैयार हैं, क्योंकि मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर इस देश को पहले नहीं मिला था और न मिलेगा। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी हमें मिला है जो राष्ट्र को संपन्न बनाया है, बलवान बनाया है, और डिफेंस को बहुत ही सुरक्षित बनाए हुए हैं, इसे किसी से डर नहीं है आपको। ऐसा प्राइम मिनिस्टर देश को चाहिए, 10-20 साल रह जाए तो देश बहुत आगे बढ़ जाएगा बेटा। वो तो ये तो बचपना है बेटा, उन्होंने कुछ नहीं हटाया है, 370 तो हटाना जरूरी था, क्योंकि हमारा हिस्सा अलग होकर के अलग राष्ट्र बन रहा था, उसको एक राष्ट्र में मिलाना बहुत जरूरी था, युवकों को लेना बहुत जरूरी है, आपको तो जरूरी लेंगे हम मोदी, और आपको 370 वगैरह कोई ऐसे एक तो नहीं है, ये तो जनता के उन लोगों के लाभ के लिए है जो विदेशों से रिफ्यूजी बनकर आए हैं, ये तो समय के आडम्बर है, मिस यूज करने का तरीका जो कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है, और शादी मानने वाले हैं नहीं, ऐसा होम मिनिस्टर है कोई मानने वाला है नहीं, वो तो लग करेगा ही बेटे। थैंक यू, धन्यवाद। बाबा एक शिव का अवतार है, महायोगी पायलट बाबा, उसमें रिंग कमांडर थे पायलट बाबा, और बिहार ससाराम स्टेज के राजकुमार भी बाबा थे, और बाबा ने गिरनार तो अभी आए हैं, पर जब हम छोटे थे तब भी बाबा या योगी सिद्धों को मिलते थे, और पूरी गिरनार की परिक्रमा भी बाबा ने कई बार की है, और बाबा इस उद्देश्य से ही आए हैं। तो बाबा का एक सपना था, जब बाबा यहाँ आए ना तब मठ मंदिरों के दरवाजे बंद थे, एक दिन का भी भोजन नहीं था, तो फिर मैं यही उद्देश्य से आई कि भाई नीचे से ऊपर तक अभी जो अन्न क्षेत्र चल रहे हमारे गिरनारी अन्न क्षेत्र, स्वामी मुक्तानंद हमारा गुरु भाई, अभी ये गिरनारी यहाँ अखाड़े में ऊपर कमंडल कुंड, मतलब हर जगह अखंड अन्न क्षेत्र चल रहे, क्योंकि बाबा एक बार आए थे और उनकी पुस्तक में लिखा है कि जब मैं यहाँ आया तब सब साधु या मठ मंदिरों के दरवाजे बंद थे, मतलब अन्न नहीं था यहाँ, तो मेरी एक ही ध्येय था कि मैं यहाँ आऊँ और बाबा का नाम रोशन करूँ और बाबा के लिए अलग जगाऊँ बस। और बाबा तो खुद राजा है बाबा, मतलब इन्होंने जब ये नेवी में उन्होंने जब युद्ध लड़े तब भी परमवीर चक्र बाबा को मिले हैं, एक राजकुमार इनके बारे में क्या बताइए, तो बाबा बाबा ही है। और रही कुंभ की बात, तो अभी अगले दिन ही मैंने मीटिंग ली कि मेरी अध्यक्षता में यहाँ कुंभ, मतलब कुंभ तो बंद रहा पर हमारे हर साल मिनी कुंभ लगता है, मतलब नागा सन्यासियों का, जो भारतवर्ष के नागा सन्यासी आते मुर्गी कुंड में स्नान करते भवनाथ में, तो हर साल हमारा कुंभ ही लगता है, हर साल साधुओं का मिनी कुंभ ही है। और आज बाबा के यहाँ पावन पैर रख, तो मतलब बोलने की मुझे हाँ है,